दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 26 मई 2023 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुनें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा कर्क राशि के रहेंगे रात 9 बजे तक, तत्पश्चात ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे रात 9 बजे तक, तत्पश्चात ये बुध के नक्षत्र को छोड़कर के केतु के मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की, राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो आपकी कमियां निकाल रहे हैं, आपको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं और आपको आपके साथ में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। आज आपकी कमियां निकालने वाली, आपकी कमजोरियां ढूंढने वाले लोग बहुत मिलेंगे, इसलिए आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी पसंद नहीं आएगा। उनका जो कमियां निकालने का या नेगेटिव बातें करने का अंदाज होगा वो दोस्ताना होगा, मजाकिया होगा, और लेकिन आपके लिए बुरा होगा, आपको बुरा लगेगा। इसलिए आज कोई दोस्त बनाना या किसी प्रकार से किसी के साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रह पाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आज के दिन किसी अनजान से तो खास करके बातचीत ना ही करें और ग्रुप में तो बिल्कुल बातचीत ना करें। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसका ग्रुप है और आप किसी ग्रुप में किसी एक व्यक्ति को अपने कॉलेज में या किसी भी प्रकार से जॉब इत्यादि में कहीं पसंद करते हैं तो उस व्यक्ति से बातचीत ना करें, यही आज के लिए आपके लिए बहुत सही रहेगा। लव लाइफ की स्थिति बहुत ज़्यादा, पार्टनर आपके लिए इमोशनल होगा, पार्टनर मजाक बहुत करेगा, प्यार बहुत करेगा और यहाँ पर आज के लिए स्थितियाँ बन रही हैं कि पार्टनर आपके साथ में जिद भी बहुत करेगा। किसी चीज़ के लिए जिद करना, गिफ्ट के लिए जिद करना बहुत ज़्यादा। दिन की स्थितियाँ बहुत शानदार हैं और रात के वक्त की स्थितियाँ भी शानदार ही रहने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में आप हों तो आज दिन भर तो बात नहीं होगी, लेकिन अचानक से रात के 10 बजे 9 बजे के आसपास में कॉल आ जाए उनका, रात के 12 बजे मैसेज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी स्थिति मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको पार्टनर पहले कुछ ऐसे इमोशनली टॉर्चर करेगा, ऐसी बातें बोलेगा अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, आपके ऊपर बहुत सारे चीज़ों को थोपना चाहेगा, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहेगा दिन में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर दिन अच्छा हो जाएगा आपके लिए क्योंकि चीज़ें आप अपने हिसाब से चलाएंगे और उस हिसाब से ही उन्हें मानना पड़ेगा क्योंकि आपकी जिद यहाँ पर वो मानेंगे। आपको बस अपना जिद दिखानी, अगर आपको लगता है कि आप जो जिद दिखा रहे हैं वो सही है तो मैरिड लाइफ की स्थिति फिर भी आपके लिए ठीक रहेगी। खास करके उनके पेरेंट्स से आपको बचना है, पेरेंट्स से सावधान रहना है। आपको पार्टनर से भिड़ना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के चक्कर में या पेरेंट्स को मत किसी प्रकार से कुछ भी मत बोलना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर अगर आपको समय नहीं दे रहे हैं या व्यवहार उनका खराब हो गया तो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा और आज उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा नजर आएगा, काफ़ी रोमांटिक और इमोशनल नजर आएंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन डेट पर भूल से भी ना जाएं। लव लाइफ में आपके पार्टनर अपने किसी एक्स पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं या वो अपने एक्स पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन आज के दिन वो आपको अभी तक समय दे रहे थे, आज तक उनका बिहेवियर आपके प्रति ठीक था, अब उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और वो अपने एक्स पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख लेंगे एक तरह से। अब आप उनकी लाइफ से निकालने के लिए, वो अपनी लाइफ से निकालने के लिए तैयार होने लगेंगे। आज के दिन आपको महसूस होगा कि हाँ कोई थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम तो बन रही है। और मैरिड लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्थितियाँ रहेंगी, बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में पार्टनर से प्यार मिलेगा, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत शानदार रहने वाली हैं।
खास करके अगर कोई गलत फहमी बन गई थी तो वो गलत फहमी दूर हो जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर के बारे में कुछ आपके दोस्त कुछ लोग पता चल जाए कि कई लोगों को आपके रिलेटिव वगैरह को पता चल जाए, उससे आपके एक्स्ट्रा अफेयर में जरूर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, मन की बेचैनी मन की परेशानी आपकी बढ़ सकती है, यह स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आज यात्रा पर या आपके फैमिली रिलेटेड इत्यादि में ही कहीं दूर का कोई रिलेटेड आपको प्रपोज कर दे या आपको पसंद आ जाए। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके लिए खूबसूरत स्थितियां बन रही हैं। पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा और आपकी हर उम्मीद पूरी करने की कोशिश करेगा। दिन तो बहुत अच्छा है और उससे भी ज़्यादा अच्छी स्थितियां जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए रात के वक्त में ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर से पैचअप की उम्मीद है, फिर से उनका मैसेज आने की बहुत उम्मीद बन रही है। आज के दिन मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी लेकिन दिन अच्छा रहेगा। ये नोकझोंक हो सकता है कि आपकी वजह से ही हो, आप इसके कारण हो कि कहीं ना कहीं आप उन्हें शक करने की कोई वजह दे रहे हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उन्हें कोई वजह मत दीजिए जिससे वो आप पर शक करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको समझाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, जिससे अगर आप उनकी बातों का अनुसरण करें तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो आपको बहुत इमोशनल कर देगा। वैसे भी आप आसानी से इमोशनल हो जाते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको बहुत कम समय में बहुत इमोशनल कर देगा और आप उसके एक तरफा प्यार में पड़ जाएंगे। अट्रैक्ट बहुत होंगे लोगों से आज। लव लाइफ में आज यही अट्रैक्ट होना आपको भटका सकता है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो छोटा सा द्वंद चल रहा है, छोटी मोटी परेशानी चल रही है, उसका फायदा कोई तीसरा उठा सकता है और आपके पार्टनर का कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कर दे जिससे आपको लगे कि ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई व्यक्ति अगर बहुत बेस्ट बन के दिखा रहा है, बहुत बेहतर बन के दिखा रहा है आपके पार्टनर से, तो वो आपके लिए बेहतर होगा ही। क्या पता वो सिर्फ आपको पाने के लिए बेहतर बन के दिखा रहा हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति बिल्कुल खराब है, आज के दिन बातचीत नहीं हो पाएगी। मैरिड लाइफ में तकलीफें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि आपके पार्टनर इमोशनली टॉर्चर बढ़ा देंगे, आपको बार बार मेंटली परेशान कर सकते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको सुना सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए सामान्य है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आपके ऊपर कोई बहुत भरोसा करेगा और दिन भर आपके लिए बहुत खर्चे करेगा, आपको इम्प्रेस करेगा, आपके साथ में टाइम स्पेंड करेगा। लव लाइफ की स्थिति भी बहुत शानदार रहेगी। लव लाइफ में पार्टनर बहुत खर्चे करेगा, यही गिफ्ट उपहार देगा, आपके साथ में घूमना फिरना हो, टाइम स्पेंड करना हो, वो बहुत ज़्यादा आपका दिन बहुत ही कूल बनाएगा, यूनिक बनाएगा और स्पेशल डे आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ चीज़ों को लेकर के उससे शिकायत करते हुए नजर आएंगे तब उसे गुस्सा आ सकता है। इसलिए ऐसी कोई बात ना करें कि सब कुछ करने के बावजूद भी आप उन्हीं पुरानी बातों में उलझ रहे हैं या उलझ जाएंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत हो जाएगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज के दिन बहस हो सकती है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर दिन में तो स्थितियां काफ़ी ठीक रहेंगी लेकिन रात के वक्त में किसी थर्ड पर्सन की बारे में बात छिड़ जाए और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बवाल हो जाए, वो भी स्थिति बन सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन बहुत अच्छा है लेकिन शाम से ही आपके पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे जो आपको अजीब लगेगा और रात भर सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे, कल जरूर पूछेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत है। दिन भर आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे और आज आपको एक स्पेशल फीलिंग आएगी कि आप कितने अच्छे हैं जो आपके इतने लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर लव लाइफ में है। लव लाइफ में आप किसी के साथ में कमिटेड हैं ये बात जानते हुए भी, या आप मैरिड लाइफ में आप शादीशुदा हैं उसके बावजूद भी, आप मैरिड हैं उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति आपको इम्प्रेस कर रहा है, आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये आपके लिए एक दुविधा और एक चुनौती
उसके साथ साथ बहुत बड़ी परेशानी का भी कहीं ना कहीं कारण बन सकता है। और आज के दिन आप भटक ना जाएं, कंफ्यूज ना हो जाएं या किसी प्रकार से डिस्टर्ब अपने माइंड को ना होने दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फिर से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बहुत उतावले नजर आएंगे। एक्स्ट्रा अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपको इमोशनल करेंगे। अगर आप इमोशनल नहीं हुए तो बार बार आपको इमोशनल होने के लिए मजबूर करेंगे, फिर भी नहीं होते हैं तो बहुत बुरा द्वंद्व चढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ये स्थिति है। दोस्तों बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य है। लव लाइफ में आज के दिन ब्रेकअप भी हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज्यादा थर्ड पर्सन की स्थिति बन रही है या कोई बड़ी परेशानी की वजह से वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं। मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत नेगेटिविटी और आपके पार्टनर का ध्यान आपसे हट जाना, ऐसी स्थिति बहुत ज्यादा बनेगी। दिन में वो आपसे बात ना करें, दिन भर आपसे बहुत ज्यादा अलग भागते हुए नजर आए। एक्स्ट्रा अफेयर में आज के दिन आपको पार्टनर बहुत खर्चे कराएगा, पार्टनर आपकी बहुत इच्छाएं पूरी करेगा और ये इच्छाएं पूरी निस्वार्थ करेगा, इससे आपको और अच्छा लगेगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों सिंगल हैं तो यात्रा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ में आज यात्रा अगर करते हैं या किसी को इम्प्रेस करने के लिए उससे मिलने जाते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन है। लव लाइफ में पार्टनर से बहुत प्यार मिलेगा। लव लाइफ में पार्टनर आपको समझाएगा, बहुत लेक्चर बहुत देगा, आज उसके लेक्चर आपको सुनने पड़ेंगे नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। आज के दिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर फिर से आप पर बहुत भरोसा जताएगा और इसलिए आपका रिश्ता फिर से अच्छी स्थिति में जाने वाला है। और इसे अच्छा करने के लिए थोड़ा सा अपने ईगो को नर्म रखिएगा। मैरिड लाइफ में बहुत सारी तकलीफें दूर होंगी और भरोसे से बड़ा कोई भी किसी प्रकार से कोई रिश्ते में कोई वाक्य होता ही नहीं, और वो भरोसा आपको आज अपने पार्टनर पर दिखाना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पैसों की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से और बकवास की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत मानसिक अशांति, बेचैनी, अकेलेपन, परेशान करने वाली स्थिति बनेगी। आज अपने आप पर बहुत सारी चीजें हावी होते हुए देखेंगे जो हमेशा नहीं होता आपके साथ में। लव लाइफ में पार्टनर का क्रोध, आक्रोश आप पर हावी हो रहा है और आप अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है और इस वजह से आज आप दूरियां बनाएंगे पार्टनर से और दूर रहने की कोशिश करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। आज के दिन पार्टनर आप पर बहुत नाराज होगा, गुस्सा भी बहुत होगा और इस वजह से आप दोनों के झगड़े और ब्रेकअप की भी स्थिति बन रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में आज के दिन पार्टनर बहुत ज्यादा शक करेगा, आरोप भी लगा सकता है और आपके पार्टनर के कहीं अफेयर भी हो सकते हैं, उस वजह से भी झगड़े हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन बहुत अच्छा है और पार्टनर बहुत ज्यादा आपके साथ इमोशनली होगा और फिजिकल रिलेशनशिप की स्थिति भी बन सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में आज बहुत ज्यादा पार्टनर शादी की बातें करेगा और दिन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यही जो बातें दिन भर करेंगे उन्हीं बातों में से एक ऐसी कुछ बात पुरानी निकल के आ जाएगी जिससे पार्टनर नाराज हो जाएगा, फिर आप मनाते रहिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति, आज के दिन अचानक से दिन में आएगा वो, दिन भर बात करेगा और शाम को फिर किसी ना किसी बात की वजह से आपको फिर से ब्लॉक कर देगा। मैरिड लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जैसी स्थिति बन जाएगी, एक दूसरे से बातचीत करना बंद, पूरे दिन एक दूसरे को परेशान करना, लेकिन रात के वक्त में स्थितियां सुधर जाएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपके साथ में अभद्रता कर सकते हैं, अलग तरह से व्यवहार करेंगे जो आपको अजीब लगेगा और इतना भी अधिकार आपने उन्हें नहीं दिया है, ये भी आप कहीं ना कहीं सोचेंगे जो वो जताते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और लव लाइफ में थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की कोई घरेलू समस्या भी हो सकती है, या हो सकता है कि घर पर कोई बातचीत कर रहे हो और घर पर उनकी फैमिली ने किसी प्रकार से कोई अवरोध उत्पन्न कर दिया हो, मना कर दिया हो उनसे आपसे बात करने के लिए, कुछ भी व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं या मानसिक रूप से उन्हें किसी ने कंट्रोल कर लिया हो, इसी वजह से आपके साथ में उनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा।
मैरिड लाइफ में स्थितियां ठीक नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, और ब्रेकअप भी किसी छोटी सी बात की वजह से होगा, इससे आपको बड़ा अजीब लगेगा, ये स्थिति है। दोस्तों बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर इमोशनल बहुत नजर आएगा, दिन भर बहुत ज्यादा रोमांस करेगा, बहुत प्यार करेगा और बहुत ज्यादा केयर भी आपकी करेगा, लेकिन रात के वक्त में जब आपको उसकी जरूरत होगी तो वो आपको इग्नोर कर देगा और अपने अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आएगा। हो सकता है कि कुछ और वजह हो, लेकिन प्रॉब्लम है और आप दोनों के झगड़े इसी वजह से हो जाएंगे। अचानक से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी स्थिति खराब और हो जाएगी, बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। मैरिड लाइफ की स्थितियां बहुत ठीक है, मैरिड लाइफ में बच्चों की वजह से भी और जिम्मेदारियों की वजह से मैरिड लाइफ में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। आज पार्टनर आपके इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए भी कुछ कदम उठा सकते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई गलत निर्णय या बड़ी गलती आपसे हो सकती है, जिस वजह से आपका रिश्ता खराब हो सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।